श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थी सीनियर वर्ग जूनियर वर्ग हार्दिक अभिनंदन और सभी अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप स्कूल की जो यूट्यूब चैनल है उसमें SRVP लक्ष्मणगढ़ में आपकी जो वीडियो डाली जा रही है उनको ध्यानपूर्वक देखें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। अपना जो संज्ञा प्रकरण चल रहा था उसमें आद उच्चारण उपदेश चला था टॉपिक उपदेश आदोचारणम आदोचारणम उपदेशे आदोचारणम ठीक है। त्रिमुनि त्रियाचारण त्रिमुनि ठीक है, ये तीन मुनि है, कौन त्रिमुनि है और त्रिआचार्य त्रिमुनि और त्रिआचार्य। अब देखिए कौन कौन से हैं वो त्रिमुनि और त्रिआचार्य वो देखिए पाणिनि कात्यायन कात्यायन और उसके बाद है जिसको भरूचि कहते हैं और पतंजलि तीसरा कौन है पतंजलि। ये त्रिमुनि त्रिमुनि त्रिआचार्य पाणिनि कात्यायन और इनका जन्म है वो ईसा पूर्व 500 के आसपास है इनका है ईसा पूर्व 500 से 300 के आसपास है और इनका जो जन्म है वो है 200 ईसा पूर्व 200 या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व 200 या प्रथम शताब्दी पाणिनि ये सूत्रकार है कौन है सूत्रकार है सूत्रों की रचना करने वाले हैं इनका जो संक्षिप्त सबसे पहले अपन पाणिनि करते हैं पाणिनि कौन थे तो ये देखिए पाणिनि संस्कृत व्याकरण के महान आचार्य कौन थे पाणिनि संस्कृत व्याकरण के महान आचार्य थे और इनका जन्म जो था वो ईसा पूर्व 500 के आसपास हुआ था ये सूत्रकार है क्या है सूत्रकार है यहाँ इनके पिता का नाम है पिता पाणिनि ठीक है माता दाक्षी इसलिए दाक्षी पुत्र कहलाते हैं क्या कहलाते हैं दाक्षी पुत्र ठीक है और इनके जो गुरु थे वो है उपवर्ष गुरु क्या है उपवर्ष थे और इनकी जो शिक्षा हुई थी वो तक्षशिला विद्यालय और गांव देखो पहले ग्राम सलाद यह सलातुरी ठीक है सलातुरी का
और शिक्षा जो हुई थी, शिक्षा है वो हुई थी तक्षशिला। कहाँ हुई थी? तक्षशिला में इनकी शिक्षा हुई थी, तक्षशिला में इनकी शिक्षा हुई थी। ठीक है, ये सूत्रकार थे। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, ग्रंथ जो है वो है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ठीक है, पाताल विजयम, और एक है जामवंती विजयम। जामवंती विजयम के बाद जो अपने यहाँ कुछ सूत्र लेंगे, सूत्र जो अपना अष्टाध्यायी है, इनका जो अष्टाध्यायी है, ये अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी इसमें देखिए, इसमें इस तरह से दिए गए हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ठीक है, इनको बोलते हैं अपने सपाद सप्तत्रय। और ये इधर दिए हुए बटे में एक बटे चार हो जाएगा, ध्यान रखना, सात बटे एक बटे चार, ठीक है, ये तो एक हो गया खाना। दूसरा जो खाना अपना इधर से चार होता है, इसमें एक बटे चार, एक बटे चार और एक बटे चार, इस तरह से लिखा हुआ है। यह है, अब देखिए इसको तो बोलते हैं सपाद सपाद सप्ताध्यायी, सप्ताध्यायी इसको तो बोलते हैं अपन, ये सपाद सप्ताध्यायी, इसको बोलते हैं त्रिपादी। क्या बोलते हैं इसको? त्रिपादी। ध्यान रखना, अष्टाध्यायी जो पाणिनि का है उसमें जो अपना ग्रंथ है, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात बट सही बटे चार, इसको बोलते हैं सपाद सप्ताध्यायी। कितना है? सपाद सप्ताध्यायी, एक बटे चार, एक बटे चार लिखा, इसको बोलते हैं त्रिपादी। क्या बोलते हैं? त्रिपादी। इसमें अष्टाध्यायी जो कुल सूत्र है, कुल सूत्राणी, कुल सूत्राणी वो जो अपने कुल सूत्र हैं वो है 3965। कहाँ है? 3965। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है, कुल सूत्र कितने हैं? 3965। अब बात आती है अपने दूसरे, सबसे पहले पहले सुन लो, पाणिनि थे, पाणिनि व्याकरण के महाचार्य। कौन थे? व्याकरण आचार्य, व्याकरण आचार्य थे। कौन थे? इनका जन्म जो हुआ है वो ईसा पूर्व 500 के आसपास है, और ये कौन थे? सूत्रकार थे, सूत्र लिखने वाले थे, और सूत्र कुल कितने हो गए सूत्र के? 3965 सूत्र हैं, किसमें? अष्टाध्यायी, ठीक है। इनके पिता थे पणि, पणि के नाम पर पाणिनि पड़ा, माता का नाम दाक्षी थे, दाक्षी पुत्र कहलाए, गुरु इनके उपवर्ष थे, गाँव था सलातुर, गाँव में हुआ था जो कि सलातुरिय कहलाए। क्या कहलाए? सलातुरिय। शिक्षा जो इनकी हुई थी वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी, और इनके द्वारा तीन ग्रंथ लिखे गए, अष्टाध्यायी, पाताल विजयम और जामवंती विजयम, ठीक है, पाताल विजयम, जामवंती विजयम और अष्टाध्यायी, ठीक है। इनके द्वारा जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा गया है उसमें सपा अध्यायी कहलाता है, जो कि एक दो तीन चार पाँच सात सही एक बटे चार है, और एक है त्रिपादी जिसमें एक बटे चार, एक बटे चार, एक बटे चार कहलाते हैं, इसको त्रिपादी कहते हैं, इसको सपा सप्ताध्यायी कहते हैं। अब बात आती है अपनी कात्यायन, इनको वररुचि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वररुचि, ध्यान रखना, कात्यायन को क्या कहता है? वररुचि कहा जाता है। इनका जो धर्म है ईसा पूर्व 500 से 300 के आसपास माना जाता है, इन्होंने भारतीय काल थे, वार्तिका निकले सूत्र थे ना, इस तरह के थे वार्तिका,
उनको वार्तिका ग्राह्य और एक वार्तिका उनके तीन ग्राह्य कौन से हैं, कितने तीन, वो तीन कौन कौन से हैं वो देखिए, इधर देखो उक्त और अनुक्त। वार्तिक जो सूत्र होते हैं वो तीन है, उक्त भी है, अनुक्त है और दुरुक्त है, दुरुक्त ठीक है। तो कहते हैं इनको बलोची भी कहा जाता है, ईसा को जन्म इनका जो है 500-300 के आसपास है, ये वार्तिककार लिखने वाले जिसको वार्तिककार कहा जाता है, और वार्तिककार अपने तीन हैं, तो सूत्र हैं उक्त अनुक्त और दुरुक्त, ये अपने आते हैं। अब बात आती है पतंजलि, पतंजलि का जन्म जो हुआ वो है ईसा पूर्व 200 प्रथम शताब्दी के आसपास, ये महावास है इनका जो है, और इनको महावास्यकार कहा जाता है, क्या कहा जाता है महावास्य का, कौन थे महावास्य का है ठीक है, महावास्य का। और इनकी जो आयु ग्रंथ है, माता का नाम गुणनी था, कई नामों से जाना जाता है ठीक है ना, उसके अपन विस्तृत चर्चा भी करते हैं। अब बात पतंजलि, पतंजलि पतंजलि कौन थे, जन्म होता है सब 200 इसी के आसपास प्रथम शताब्दी में, और जन्म कहाँ हुआ था पाटलिपुत्र अथवा काश्मीर प्रांत में, जो कि गोंडा जलपद में मिलता है, मिलता है गोंडा जलपद में मिलता है, गोंडा जलपद है उसमें इनका जन्म मिलता है गोंडा, गोंडा जलपद में, जो कि विवादास्पद है, क्या है विवादास्पद चल रहा है, ये महावास्यकार है इसलिए पतंजलि का महावास प्रसिद्ध है, और गौणिका इनकी माता का नाम है इसलिए गौणिका पुत्र भी कहलाते हैं। गौणिका को गोल नरदीय नागनाथ अहिपति फणिग्रह शेषराज शेषही चोनीकार है और पदकार है, ये इस नाम से भी जाना जाता है कि माता को, इसलिए इनको गोल नरदीय कहा जाता है और नागनाथ कहा जाता है, अहिपति आता है, परिव्रत है, शेषराज है, शेषय है, चोनीकार है, पदकार है, ये इनके पर्यायवाची शब्द है। अब बात आती है कि इनके जो ग्रंथ है, इनके जो ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं, ग्रंथ देखिए पतंजलि के द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं उनमें हैं एक तो महावास चरक संहिता, महावास चरक संहिता ये पतंजलि के द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं। अब देखिए एक जो अपने भर्तृजि थे उन्होंने तो इनको दिग्दर्शन तक भी कहा है ठीक है। अब बात आती है कि सूत्र किसे कहते हैं, सूत्र होते हैं जो संक्षिप्त नियम होते हैं उनको सूत्र कहा जाता है, संक्षिप्त नियमों को क्या कहा जाता है सूत्र। सूत्रकार कौन होते हैं जो सूत्रों का अर्थ बताए, सूत्र तो होते हैं संक्षिप्त नियम, कितने नियम है अपने उनको सूत्र बोलते हैं, और सूत्रकार जो सूत्रों को अर्थ बताए उनको सूत्रकार कहा जाता है। उसके बाद आता है अपना जो इसमें है क्या नाम है तुम्हारे सूत्र व्रति, व्रति एक शब्द आता है, व्रति क्या है, व्रति देखिए जो तुम्हारे इन सूत्रों की व्याख्या वर्णन करने वाले होते हैं उनको व्रति कहा जाता है, सूत्रों की व्याख्या या वर्णन करने वालों को क्या कहा जाता है व्रति कहा जाता है। तो आज जो अपना टॉपिक था वो उपदेश आदुच्चारणम, कि उपदेश में आदि का जो उच्चारण किया जाता है उसके त्रिमुनीय त्रिआचार्य हैं, जानते हैं अपन उपदेश, अपने जो सूत्र पढ़े थे एक सूत्र था उपदेश अज अनुनासिक इत, उसमें उपदेश आदुच्चारण क्या है उसके त्रिमुनि हैं त्रिआचार्य हैं पाणिनी कात्यायन और पतंजलि। पाणिनी जो कि व्याकरण के महान आचार्य हैं, इनका जन्म ईसा पूर्व 500 ईस्वी में हुआ था, और इन्होंने एक अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था जिसको सपाद सप्ताध्याय भी कहा जाता है, त्रिपादी कहा जाता है, और उसमें कुल जो सूत्र हैं वो 3965 सूत्र हैं, ध्यान रखना पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने 3965 हैं, इस अष्टाध्यायी में 8 अष्टक हैं 64 अध्याय हैं,
आठ अष्टक हैं और प्रत्येक अध्याय में आठ आठ अष्टक है, तो कुल कितने हो गए 64 अध्याय हो गए। और पिता का नाम पणिन और माता का नाम दाक्षी, इसलिए क्या कहलाए? दाक्षी पुत्र कहलाए। और गुरु इनके उपवर्ष थे, गांव था सलातुर्य जिसको सलातुर कहा जाता है। शिक्षा इनकी तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई। ग्रंथ इनके द्वारा जो रचित है वो है अष्टाध्यायी, पाताल विजयम और जामवंती विजयम। अब बात आती है कात्यायन, जिनको वररुचि भी कहा जाता है। इनका जन्म ईसा पूर्व 500 से 300 ईस्वी के आसपास हुआ है और ये वार्तिका लिखने वाले हैं, वार्तिककार हैं। और वार्तिक जो सूत्र होते हैं जिनको अपन बोलते हैं कि वार्तिक कहें, तो वार्तिक सूत्र हैं उक्त, अनुक्त और दुरुक्त। कितने हैं इनके? उक्त, अनुक्त और दुरुक्त। अब अगला है पतंजलि। जो पतंजलि क्या है? महाभाष्यकार हैं, जिन्होंने योग सूत्र लिखा है। पतंजलि का योग सूत्र और महाभाष्य और चरक संहिता, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। और इनका जन्म ईसा पूर्व 200 ईस्वी अर्थात प्रथम शताब्दी के आसपास जाता है। महाभाष्यकार हैं, जन्म पाटलिपुत्र अथवा काश्मीर प्रांत में हुआ, जो अभी भी विवादाग्रस्त है, जो कि क्या है? गोंडा जलपद जिले के अंदर आता है। इसलिए इनकी माता का नाम गौणिका, क्योंकि गोंडा जनपद जिले की थी इसलिए गौणिका कहलाई। और उनके जो पर्यायवाची नाम है वो गोनर्दीय, नागनाथ, अहिपति, पणिव्रत, शेषराज, शेषई, चूर्णिकार है और पद्मकार है। ये इनके अलग हुए हैं। और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो कौन कौन से थे? पतंजलि का महाभाष्य, योग सूत्र और चरक संहिता। ठीक है, तो ये अपने जो उपदेश आदुचरण के त्रिमुनि, तीनों मुनि, ध्यान रखना। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं कि अष्टाध्यायी ग्रंथ किनके द्वारा रचित है? पाणिनि के द्वारा। पाणिनि कौन थे? महान व्याकरण आचार्य थे। जन्म इनका कहाँ हुआ था? सलातुर। माता का नाम दाक्षी, पिता का नाम पणिनि। और इनके द्वारा जो ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी, पाताल विजयम और जामवंती विजयम। कई बार आता है पाताल विजयम ग्रंथ से रचयिता कह है या जामवंती विजयम ग्रंथ से रचयिता कह है, तो वहाँ या अष्टाध्यायी ग्रंथ से रचयिता कह है, वहाँ लिखेंगे पाणिनि। अब बात आता है कि वार्तिकार या वार्तिका ग्रंथ से रचयिता कह है, तो कात्यायन या वररुचि। बात आती है महाभाष्य रचनाकार है कहे, महाभाष्य के रचनाकार है पतंजलि। या आ जाता है कि पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार है, तो वो वे कौन है? पतंजलि, महर्षि पतंजलि। और पतंजलि का योग सूत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। और अगला ग्रंथ है इसका चरक संहिता, जिसमें चरक जी ने, महर्षि चरक जी थे, कौन थे वो? महर्षि चरक संहिता में जितने भी औषधियाँ हैं, जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हैं, वो इस चरक संहिता ग्रंथ में लिखे हुए। ठीक है, तो ये अपनी ऑनलाइन क्लास की जूनियर सीनियर वर्ग में ये अपने त्रिमुनि त्रिआचार्य, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ें। और अपने विद्यालय का जो यूट्यूब चैनल है SRVP लक्ष्मणगढ़, उस पर जाकर के अपनी सारे विषयों की वीडियो देख सकते हैं और सभी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकते हैं।